दिल्ली से खबर, जहां करोलबाग थाना फुलवारी में किया गया तब्दील। बता दें, फाइव स्टार की सुविधा से लैस है पुलिस स्टेशन। यहां पर खेलने से लेकर गेमिंग और एक्सरसाइज की भी सुविधा दिखाई दे रही है। तो करोलबाग थाना फुलवारी में तब्दील किया गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फाइव स्टार की सुविधा से लैस है पुलिस स्टेशन और खेलने से लेकर गेमिंग और एक्सरसाइज तक की सभी सुविधाएं यहां मौजूद है। तो तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह तब्दीली की गई है। तो खेलने से लेकर गेमिंग और एक्सरसाइज की ये सुविधाएं यहां पर साफ नजर आ रही है। और इसी को लेकर देखिए संवाददाता गौतम तिवारी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में बने करोलबाग थाने की अगर बात करें, स्थायी स्वच्छता की ले लो या किसी भी तरह की बात करोलबाग थाने की आती है, तो ऐसे ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में माना जाना थाना कहा जाता है। हम साफ सफाई की बात करेंगे तो आपको हम दिखाते हैं किस तरह से थाने की जो तैयारी की गई है। यहाँ के SHO हैं मनिंदर सिंह साहब, उनकी तरफ से जो व्यवस्था की गई है, हम उन चीज़ों को दिखाते हैं कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे साइडों में गाड़ियाँ खड़ी होती थी, हमेशा जाम लगा रहता था। चाहे धूल मिट्टी की बात करें तो हर चीज़ को लेकर के, साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के, बिल्कुल थाने को एक स्वर्ग की तरह, एक फूल बगिया की तरह बनाया गया। हम अब समय थाने के अंदर प्रवेश करेंगे, जो संतरी रूम है उसको भी किस तरीके से बनाया गया है और जो लोग आम पब्लिक आती उसके, उन लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है, हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इस करोलबाग थाने की जो व्यवस्थाएं हैं आपको दिखाते कि ये है अंडर रिसेप्शन, इधर जो आम पब्लिक बैठती है उसके लिए स्टेप बनाया गया कि जो भी आए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, उसको लेकर के बाकायदा इसमें पंखे भी लगाए गए हैं और कई तरह की तैयारियाँ थाने में की गई हैं। फिलहाल अगर बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में माना जाना थाना करोलबाग आता है। अब बात करेंगे कंप्यूटर रूम की, तो आप कंप्यूटर रूम में भी दिखाते हैं जिस तरह से तैयारी की गई है। हालांकि थाने तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन करोलबाग थाने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोल रूम है यहाँ पे भी किस तरीके की व्यवस्था, साफ़ सफाई से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। अगर देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से करोलबाग थाने के अंदर फूलों को लेकर के अगर बात की जाए, सजावट की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सजावट की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ बिल्कुल बच्चों के लिए बैठने और खेलने कूदने के लिए भी जो है यहाँ पे सिस्टम तैयार किया गया है। और अगर बात करें रिसेप्शन की हो या किसी चीज़ की भी हो, यहाँ पे बिल्कुल हर तरीके से देख सकते हैं कि जो फूलों की क्यारियाँ लगाई गई हैं, आप किसी हर तरीके के फूल लगाए गए हैं। और DO रूम की बात करते हैं, सामने DO रूम है, इसको भी हम दिखाते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं। और ड्यूटी ऑफिसर रूम है, यहाँ पे थके मानते जो पुलिसकर्मी आते हैं उनको ये ना लगे कि हम थाने में हैं या किसी फूल बगिया में। एक तरह से देखा गया है कि जो 24 घंटा पुलिसकर्मी बाहर से ड्यूटी करके आता है, उसके बाद वो अपने आप को ये ना महसूस करे कि मैं यहाँ पे थका मांदा है तो मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर अगर बात करें तो जो SHO साहब हैं यहाँ के, इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह जी, उनका भी रूम हम दिखाते हैं किस तरीके से जो सजाया गया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल चारों तरफ साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, लोगों के आने के बाद मिलने की व्यवस्था हो, बैठने की बात करें तो सभी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो करोलबाग थाने में की गई हैं। अगर हालांकि बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में थाने तो बहुत से हैं ऐसे जो कि नाम उनका बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर मेन बात करें करोलबाग थाने की, तो आपको हम दिखाते हैं कि जब करोलबाग थाने के अंदर आप एंट्री करते हैं तो जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं, ग्राउंड में खेलने के लिए भी पुलिसकर्मी जो थके मांदे आते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, उसको लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर खेलने की भी व्यवस्था की गई। ऑटोमेटिक खेलने के बाद इसको हटा करके एक साइड में रख दिया जाए। सीधी सी बात है कि अब जो दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में करोलबाग थाना है, इसकी क्या पहचान है, ये आम जनता ही और पुलिसकर्मी ही बता सकते हैं। गौतम तिवारी, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली।